नमस्कार, मैं हूं विवेक का। आपका स्वागत है खबर बिहार 24 यूट्यूब न्यूज चैनल में। मैंने आपसे कहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और महागठबंधन में बड़े ही बारीकी से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर दिया जाएगा और जो भागने वाले होंगे भाग जाएंगे, जो रहने वाले होंगे रह जाएंगे, जो जुड़ने वाले होंगे जुड़ जाएंगे, जो मिलकर लड़ने वाले होंगे मिल जाएंगे। वही हुई। कांग्रेस 58 से 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी तय कर लिया गया। माले 19 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वीआईपी के मुकेश सहनी 8 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सीपीआई 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी और सीपीएम 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। माले का जनाधार वाला क्षेत्र जहां राष्ट्रीय जनता दल के भी उम्मीदवार जीते थे, समझौता के तहत माले को वह सीट दे दी गई है। चूंकि समझौता हुआ है, गठबंधन धर्म को निभाते हुए माले को वो सीट दे दी गई है जहां से राजद के उम्मीदवार जीते भी थे। इतनी बड़ी त्याग राष्ट्रीय जनता दल ने किया, तेजस्वी यादव ने किया कि अपने विधायकों को बैक करके वह सीट माले को दिया। कांग्रेस को 58 से 60 सीट देकर सम्मानित सीट देने का काम किया। सीपीआई सीपीएम को जितनी जिसकी जनाधार उतनी सीट दी जा रही है और मुकेश सहनी को 8 सीट दी जा रही है। चूंकि मुकेश सहनी स्वयं भी कहे कि मैं सरकार को पलटने के लिए किसी भी बलिदान के हद को पार कर सकता हूं, मुकेश सहनी 8 सीट पर संतोष कर गए और 140 से 42 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ेगी। मैंने पहले आपसे एक वीडियो दिया था जिसमें हमने कहा था आपसे कि 140 से 150 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल स्वयं लड़ेगी, जो मैंने आपको 3 महीना पहले समाचार दिया था। आपने देखा होगा, मैंने कहा था, मेरा सर्वे यह था कि महागठबंधन में कुछ लोग भागम भाग करेंगे क्योंकि वो विरोधी पार्टी से मिलकर महागठबंधन को तोड़ने मरोड़ने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को निकाल बाहर किया जा सकता है, अन्यथा स्वयं निकल जाएंगे। जिसका परिणाम हुआ कि सबसे पहले मांझी जी ने अलग हुआ होने का काम किया, फिर उपेंद्र कुशवाहा साइड हो गए। ये नदी के बड़े मछली हैं जो छोटे मछली को निगलना चाहती थी, लेकिन छोटे मछली कांटे के धार को लेकर, जनता के ताकत और हिम्मत को लेकर मजबूत थी, जिसने बड़ी मछली को निगलने नहीं दिया और बड़ी मछली स्वयं डरकर भागकर जिसके साथ मिली हुई थी उसके पास चली गई। कहने का तात्पर्य है कि महागठबंधन में कुछ ऐसे संगठन के लोग थे जो महागठबंधन को अंतिम समय में छिन्न भिन्न करना चाहते थे, लेकिन वो हट गए। शांतिपूर्वक ढंग से सीट शेयरिंग कर ली गई। अब बड़े ही मजे के साथ सारे कार्यकर्ता और नेतागण मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह महागठबंधन की बात है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए की हालत बद से बदतर है, हास्यप्रद स्थिति है। दूसरे पर उंगली उठाते उठाते स्वयं दलदल में फंस गए। एनडीए की बुरी हाल है, दलदल से निकलेंगे नहीं निकलेंगे यह वक्त आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।